नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। ग्राम पंचायत छीमक में जसपाल पुत्र विल्लू सरदार पर आरोप लगाते हुए महिला हेमंत हेमवती पत्नी काली चरण कुशवाहा ने चिनौर थाने में शिकायत करते हुए बताया कि जसपाल ने मेरे साथ करीब 3 साल से बलात्कार करता चला आ रहा है और जब भी मैं विरोध करती थी तो मुझे मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता था। बताया कि जसपाल सरदार ने पहले इसी महिला के हाथ में थाने में ही अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया कि छीमक गांव में कुशवाहा समाज की महिला हेमंत पति पति काली चरण ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर चिनौर थाना प्रभारी देवेंद्र लोधी ने बताया कि महिला थाने आई है और यह भी बताया रही है कि मेरे साथ जसपाल पुत्र बिल्लू सरदार 3 साल से लगातार बलात्कार करता चला आ रहा है और 2 माह पहले उसने मेरे पर दबाव डालना बंद कर दिया था और 2 दिन से मेरे से फिर से बोलने लगा कि मेरे साथ तुम गलत संबंध बना लो। तो मैंने अपने पति को बताया कि जसपाल ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो पति पत्नी ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है। पति काले चरण का कहना है कि हम को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। छीमक से संवाददाता वीरेंद्र परासर एवं छोटू बाथम की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या बात हुई है यहाँ पर? जो कल घटना हुई है उसमें क्या बात है? सर, उन्होंने हमारा सामान फेंक दिया था, दुकान खाली कर दी है। क्यों? सर, वो हम पे दबाव डालते हैं, बस जहाँ आया पाए हैं। किस विषय में खुल के बोलो आप, किस विषय में? सर, मतलब उनके से काम करते हैं। खुल के बताओ, आपसे कैसी बात हुई उससे? सर, भी बुलाती थी हमें फोन पर। क्या बोलते थे? फिर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कितने दिन से हो रहा है? सर, हो गई 2-3 साल। 3 साल? तो 3 साल से आपने अपने पति को नहीं बताई? सर, नहीं बताई। वही मारपीट करते नहीं कर देते थे, पर मत बताना करा। कौन वो? क्या नाम है उसका? जसपाल। पिताजी का नाम मालूम है? जसपाल के पिता का मालूम नहीं है नाम? तो अब आपसे उससे कितने दिन से बात नहीं हुई? कल हुई थी। क्या बोल रहा था? सर, मैंने कही थी तुमने क्या कर दिया, मैं तोड़ फोड़ कर दी, तुमने इतना नुकसान कर दिया। जो कह रहे थे कि उसने अभी तो मुझे गाली गलौज दी, मैंने तो तुमने इतना नुकसान क्यों कर दिया हमारा, इसका बर्ताव कौन? आपके जो संबंध रहे हैं वो कितने दिन से रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से चल रहे हैं? तो ये मतलब 3 साल से आपके संबंध चल रहे हैं, आपके साथ बलात्कार हुआ है और आपने अपने पति को नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सर, भी मना कर देते थे कि मत बताना। कोई धमकी वगैरह देते थे क्या? नहीं कहते थे कि ऐसा मत बताना। नहीं तो आपको बताना चाहिए ना, आपके साथ शोषण हो रहा है तो आपको अपने पति को बताना चाहिए। डर तो गई जी, हमारी मारपीट करेंगे घर से, बेड़ा अपना दे। काली चरण से कुछ हुआ? काली चरण, कल आपका सामान फेंका है उसने? कल सामान फेंका, गाली दे रहा था, अंदर आकर मुझे वो धक्का पक्का देने लगा था और रात के आके एकदम दिन के धक्का दिया और गाली फाली देने लगा, चांटा भी मार दिया मेरे को। यहाँ क्यों दिया, किस विषय में? वो पहले तो किराया की कहने लगा और फिर बिल की कहने लगा और फिर कहाँ तो चांटा मार दिया उसने, गाली देने लगा। सुबह मैंने गाली दी, उसने चांटा मार दिया मेरे में। आपकी पत्नी बोल रही है कि जसपाल के साथ 3 साल से संबंध रहे हैं और आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे सर मालूम नहीं है, मुझे 2-3-4 महीने पहले मालूम हुआ था मैंने। सर, नाम क्या है आपका? मैं सस्पेक्टर देवेंद्र लोधी हूँ। सर, महिला आरोप लगा रही है उसके विषय में आप क्या बोलोगे? देखिए, रात में एक FIR हुई थी, एक छीमक में सरदार जी हैं, उनके मकान में ये किराए से रहते होंगे महिला के पति जी, तो किराए के विवाद पर उन्होंने उनका सामान वगैरह बाहर निकाल दिया, इनके साथ मारपीट की है, तो महिला के पति की रिपोर्ट पे सरदार के खिलाफ FIR कर ली है मारपीट को नुकसान पहुंचाने की, सामान फेंकने के संबंध में। दूसरा, फिर सरदार को भी चोट लगी थी, उसके मुंह में खून वगैरह निकल रहा था, तो उसकी FIR पे इनके खिलाफ भी 294-323 मारपीट साधारण धाराओं का अपराध पंजीकृत किया है। अब ये सुबह आके बता रही है कि 2 साल पहले इसने मेरा बलात्कार किया था, तो इसके विषय में मैंने बोला है महिला अधिकारी के लिए, बोला है इससे, तो इन्होंने मुझसे कहा है कि हम थोड़ा सोच के बताते हैं, अभी इन पति पत्नियों में आपसी सहमति नहीं है,
पत्नी पहले अपने पति की भी FIR कर चुकी है, रिपोर्ट वगैरह थाने में कर चुकी है, ऐसा पत्नी ने बताया है, उसकी तस्दीक करवा लेते हैं और जैसा महिला कहेगी, अगर वो ऐसा कहेगी तो उसकी कार्रवाई की जाएगी, अगर इस प्रकार कोई आरोप लगाएगी तो। नहीं, महिला जी बोल रही है कि 2 साल से इनके संबंध रहे हैं और कुछ 2 महीनों से इनसे मतलब संपर्क नहीं हुआ है, इसकी तस्दीक की जा रही है। महिला यहाँ आके बोले FIR के लिए उसको बिल्कुल छूट है, अगर वो कहेगी तो एक महिला अधिकारी बुलाया तो उसकी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये थी आज की ताज़ा खबर। देश और दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूज़ TV के साथ। नमस्कार।